सनी देओल, ओए समझाइशे, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं, लेकिन इन्हें चलाने के लिए जिगरा चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता, मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और वो मर्द तू नहीं है। अशरफ मलिक, किन हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं आप? याद कीजिए बंटवारे के वक्त 65 करोड़ रुपया दिया था आपको, जब जाके आपकी सिर पर तिरपाल आई थी, बरसात से बचने की हैसियत नहीं है और गोलीबारी की बात करते हो आप। बाप बनकर बेटी को विदा कर दीजिए, इसी में आपकी भलाई है, वरना जट बिगड़ गया ना, सैकड़ों को ले डूबेगा। ओए मैडम जी, आपके लिए गर्मा गर्म जलेबी लेके आया हूँ। ओए वैसे इन जलेबियों के लिए बहुत लंबी लाइन लग जाती है, अपने स्कूटी हम बजा बजा के ये काम जल्दी करा लाया। मैडम जी जलेबी खाए ना मैडम जी। इसके बाद है धर्मेंद्र, मैं कसम एक एक को चुन चुन के मारूंगा, लेकिन एक बात याद रखना गांव वालों, जहां पे भी कोई प्रेमी जान देता है वह भयंकर भयंकर बीमारियां जन्म लेती है। हेजा चीचक आई एम मरिंग पुलिस कमिंग। इसके बाद है, सब जानते होंगे, अमरीशपुरी, ओए लाजो, ये तो अच्छा हुआ तू शुक्र कर, तू और तेरी बेटी अंग्रेजीपन के चक्कर में नहीं पड़े, वरना वही हाल होता, धोबी का कुत्ता है ना घर का ना घाट का। इसके बाद है आप सबके चहेते शाहरुख खान। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़की पे वो मरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके उसके गली के घर के आगे होकर निकला करती थी, कुछ कहना चाहती थी शायद मगर कह नहीं पाती थी, अरे बाद में पता चला वो तो गुटका चबाती थी। इसके बाद है सुरेश अलवेला, जब मैं पहली बार ससुराल गया तो गिफ्ट पैक में रेमंड का सूट पाया, दूसरी बार गया तो मेरा कलेजा हिला, कोट पेंट की जगह केवल पेंट शर्ट ही मिला, तीसरी बार तो सब कुछ वीरान था, गिफ्ट पैक में केवल चड्डी बनियान था, चौथी बार और भी बुरा हाल था, गिफ्ट पैक में केवल एक रुमाल था, अगर मैं पांचवी बार भी हिम्मत दिखाता और ससुराल जाता तो बाबा रामदेव की तरह लंगोट भी वापिस आता। इसके बाद है एहसान कुरैशी, वो आए कब्र पे मेरी, दिया बुझा के चल दिए, थोड़ा सा तेल बचा था सर पे लगा के चल दिए। और इसके बाद है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सबसे लास्ट है मेरे। अहिला बैठो, बताता हूँ तेरे को, हाँ मेरा प्यार की स्टोरी बताता हूँ। एक बार दीपिका बोली कि नाना पाटेकर तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, तो मैंने कहा दिल के पिंजड़े में तेरी यादों का तोता पाल रखा है, कैसे बताऊं दीपिका तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। क्लास के हर खारी पीठ में तुम मूंगफली खाया करती थी, मूंगफली के छिलके तुम मुझसे छिलवाया करती थी, छिलके छिलके मैं रखता था तुम खाती थी दाने, इसका हमको गम नहीं हम तो थे दीवाने। उन छिलकों का बांध के बोरा छत पर डाल रखा है, कैसे बताऊं दीपिका तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। पिकनिक पे तुम साथ गई थी, वहां सेल की साड़ी, वो साड़ी तुमने झाड़ी में उलझाकर फोड़ी, तो वैसी की वैसी में नई साड़ी लेकर आया था, इसके चक्कर में अपना स्कूटर तक गिरवी रखाया था, वो साड़ी तो फट गई कब की, लेकिन उसका फॉल रखा है, कैसे बताऊं दीपिका तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। चुपके मिलने आई थी वो रात तुम्हें क्या याद है, जू पड़ गए थे तुम्हारी शर में वो बात तुम्हें क्या याद है, मस्ती में आके तुमने अपनी जुल्फों को मेरे कांधे पर बखेरा था, तब चुपके से एक जू का जोड़ा मेरे सर पर चढ़ाया था, उनकी औलादों को हमने अभी पाल रखा है, कैसे बताऊं दीपिका तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। तेरे इश्क में तेरे मोहल्ले के इतने चक्कर लगाए कि तेरे मोहल्ले के कुत्ते मेरे यार हो गए, तू तो मेरी हो न सकी, हम तेरे कुत्तों के सरदार हो गए। जाना होगा बिछड़ना होगा, थोड़ा सा टाइम निकाल कर ओपन माइक 2.3 के सेशन में आया था, और मैं जाते हुए लम्हे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कौन कहता है कि जुदाई होगी, कौन कहता है कि जुदाई होगी, ये अफवाह किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, ठाट से रहेंगे हम आपके दिल में, थोड़ी बहुत जगह तो हमने भी बनाई होगी।